हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सीटेट का जुलाई में एग्जाम होने वाला है, ये अपडेट आ चुका है। सीटेट द्वारा पूरा अच्छे से सीबीएसई द्वारा वेबसाइट पर भी बता दिया गया है, साथ में एक बुलेटिन के तौर पे एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है सभी स्टूडेंट के लिए जो कि पास नहीं हो पाए थे और इस बार फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये न्यू फ्रेशर्स हैं, जो पुराने लोग नहीं नए लोग हैं, वो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देकर अपना सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं। चाहे वो ये फर्स्ट ईयर में है, बीएड के फर्स्ट ईयर में है, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है, ये कोई भी एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं और वो फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, ये उसे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर लिए हैं, सीटेट वहाँ वैलिड होगा। और ये अनलिमिटेड है, कोई भी 7 साल के लिए नहीं है कि 7 साल के लिए ही सही, ऐसा कुछ नहीं नियम रखा गया है, सब कुछ बदल चुका है। अब सिर्फ क्या होगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अनाउंसमेंट जो हुआ है वो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिए, 27 अप्रैल से, 27 अप्रैल से इस फॉर्म को भरने वाला शुरू होने वाला है, 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक। तो 26 मई तक आपको दिया जाएगा, लगभग 1 मंथ का टाइम है, इस फॉर्म को बिल्कुल भर लीजिएगा। और साथ में ये भी रखिए कि जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको सीट वहाँ मिलेगा, मतलब सीट का बात करेंगे हम लोग तो सीट का हम लोग जहाँ बात करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम दोगे, जो वेन्यू होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वो आपका जो पहले जो आएगा, जो पहले पाएगा, वो नियम रखा गया है इस बार भी, जो पहले की तरह कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लास्ट जो आपका सबमिशन का डेट है, याद रखिएगा 26 मई को है लास्ट सबमिशन का डेट, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है इन फ्यूचर में, इसलिए याद रखिएगा। एग्ज़ाम जो होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम्स के लिए सुन लीजिए, एग्ज़ाम्स जो हम लोग का होने वाला है वो आपका जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में ही चलेगा। सीबीटी मोड में ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम्स ही होंगे। कौन लेगा, तो सीबीएसई ही लेगा, जैसे एग्जाम पैटर्न पिछला बार था जो दिसंबर का हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, 2022 दिसंबर का जो हम लोग देख चुके हैं, सेम पैटर्न पे ही काम करेगा, उस सेम पैटर्न, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा। कितना भी वीडियो आप देख लीजिए, कोई भी भ्रमित कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसके बीच में नहीं आइएगा, ऑथेंटिक समझिए, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बाकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हो। और भी यहाँ पर जो जो जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बता दिया गया है अलग अलग जानकारी, पूरा वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। साथ में एक जानकारी और दे दूँ कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली आप जाना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये सही बात है या नहीं। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, क्या वेबसाइट, सीटेट.nic.in, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे जुलाई के लिए अप्लाई करने का भी डेट आ चुका है और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशंस में भी यहाँ पे आ चुका है, पब्लिक नोटिस में आ चुका है यहाँ पे। बिल्कुल ये नोटिस कौन सा जरा देख लेते हैं हम लोग, नोटिस में भी आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस में भी दे दिया गया था कि एक बेसिक सा नोटिस है जिसके अंदर बता दिया गया, जनरल ओबीसी के लिए आपका एक पेपर देना चाहते हो या दोनों पेपर देना चाहते हो, दोनों का अलग अलग कॉस्ट है, जो पहले तरह कहीं बिल्कुल सेम रखा गया है, 1000 रुपये और दो पेपर का आपका 1200 रुपया लगने वाला है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सभी जानकारी। कोई भी रिगार्डिंग इस रिलेटेड आपको दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, आपको सही जानकारी मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।